नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ हाई टेस्टोस्टेरोन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कम टेस्टोस्टेरोन होने के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या तकलीफ होगी पेशेंट को और क्या कारण है। तो वो वीडियो मैंने बनाया है, लो टेस्टोस्टेरोन बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा। वो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। ये टॉपिक है हाई टेस्टोस्टेरोन। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से ज्यादा है तो आपके साथ क्या होगा? देखो, हाई टेस्टोस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में है, मेल और फीमेल दोनों में ही चेंजेस आएंगे। टेस्टोस्टेरोन होता है एक मेल हार्मोन, ठीक है? इसमें अब समझते हैं मेल और फीमेल दोनों का। अगर बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, कोई भी चीज अगर कम है तो भी खतरनाक है, पर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा खतरनाक है, नॉर्मल होना चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा है तो आपके मूड चेंजेस होंगे, दिमाग में चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस, मतलब अभी खुश थे अब दुखी हो गए, अभी खुश थे अभी दुखी हो गए, अब गुस्सा भी आ गया, तो ऐसे मूड चेंजेस, इरिटेबल रहोगे, इरिटेट, चिड़चिड़े से रहोगे, एग्रेशन, कभी गुस्से में आ रहे हो, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा डिल्यूजन हो सकता है, यूफोरिक हो सकते हो, बहुत खुश हो सकते हो, या ऐसी चीज इमेजिन करोगे जो समझ में नहीं आ रही आपको, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हाई टेस्टोस्टेरोन के कारण हो सकता है, मूड पे, मेल हो या फीमेल हो दोनों में हो सकता है। उसके अलावा एक्नी हो सकता है, एक्नी छोटे छोटे दाने हो रहे हैं फेस पे हो रहे हैं, उसका कारण है जो सिबेश और ऑयली स्किन हो रही है, सिबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो रहा है, इस कारण से आपको एक्नी हो रहा है फेस पे, है ना, बहुत सारे भर रहे हैं। आपकी उम्र 35 है, फीमेल हो या मेल हो, और भर के एक्नी हो रहे हैं, चेहरा साफ ही नहीं हो रहा। आप बोल रहे हैं ये तो जवानी में आता है जब मेल जेनिटेलिया डेवलप होता है, हार्मोन चेंजेस होता है, अभी 35-40 साल में, 50 साल में भी एक्नी हो रहा है, तो उसका कारण है ये एक्सेस टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा हेयर ग्रोथ होगी, अगर फीमेल है तो उसके मूछें आने लगेगी, दाढ़ी आने लगेगी, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ फीमेल में होने लगेगा, चेहरे पे बाल आ रहे, छाती पे भी फीमेल में बाल आ रहे हैं। मेल में भी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रोल प्ले करता है आपकी मूछ आने में, आपकी दाढ़ी शेविंग में, आपके चेस्ट के हेयर्स में और आपके सर के बालों में भी हेल्प करेगा। और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो दो चीज हो सकती है कि आपके सर के बाल जा रहे हैं, ये भी होता है, बाल्डनेस आ रही है, पैचेस होते जा रहे हैं, पैचेस सर में, है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो सर के बाल कम होते जा रहे हैं। उसके अलावा जो आपका सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी लेविडो है, उसको इफेक्ट करेगा ये। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है फीमेल का, जो मेंसेस आता है, महामारी आती है, वो इरेगुलर हो सकती है, हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, या हो सकता है बहुत लेट लेट आ रही है, या आई नहीं रही है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन इफेक्ट करेगा। उसके अलावा क्लाइटोरिस का साइज बढ़ा देता है अगर ये बढ़ा हुआ है तो, और अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपके स्पर्म काउंट भी कम होते हैं, इसकी वजह से स्पर्म काउंट डिक्रीज होंगे। आपको लगता होगा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो स्पर्म काउंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होगा तो आपका स्पर्म काउंट मेंटेन रहेगा, कम है तो भी कम होगा स्पर्म काउंट, और बहुत ज्यादा है तो भी कम होगा। तो ध्यान रखें, कोई भी चीज ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा है शरीर में कोई भी चीज तो वो भी ज्यादा खतरनाक है, जैसे जिंक की कमी से स्किन डिजीजेज होती है, पर जिंक बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में, या कॉपर बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में, अगर कॉपर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, विल्सन डिजीज जैसे सिम्टम्स आते हैं, लीवर टॉक्सिसिटी, है ना, वो सब। कोई भी चीज आयरन की कमी से, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है, पर आयरन टॉक्सिसिटी से हेमाक्रोमाटोसिस नाम की बीमारी होती है, जो और भी डेंजर है, आयरन डेफिशिएंसी से ज्यादा डेंजर है हेमाक्रोमाटोसिस, सॉरी। तो कोई भी चीज आपकी बॉडी में नॉर्मल मात्रा में होनी चाहिए, एक्सेस मात्रा में चीज ज्यादा डेंजर होती है एज कंपेयर टू डेफिशिएंसी। तो वैसे ही टेस्टोस्टेरोन में और क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन, आपकी बॉडी सूजी सूजी रहेगी, चेहरे पे पफिनेस रहेगी, हाथ पे स्वेलिंग रहेगी, ठीक है, पैर सूजे हुए रहेंगे, तो इसे बोलते हैं फ्लूइड रिटेंशन। वेट गेन होगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जो कि हार्ट अटैक करा सकता है आपको, इंसोमिया, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, हेडेक्स होने लगेंगे, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो कितनी समस्याएं हैं। अब टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ता है, बढ़ तो रहा है पर क्यों बढ़ता है, लड़कियों में जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है फीमेल्स में, उसका कारण होता है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, या फिर कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स ले रहे हैं आप, बाहर से कोई स्टीरॉयड ले रहे हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ रहा है, या फिर एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन ट्यूमर हो या टेस्टिकुलर ट्यूमर हो, है ना, तो भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा।
उसके अलावा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग एड्रेनल ट्यूमर्स हो, तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के। तो टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसको नॉर्मल कीजिए, बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करना, एक्सेस ज्यादा डेंजर है, आपको समझ में आया होगा। अब इसको डायग्नोस कैसे करें, डायग्नोस में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन फ्री एंड टोटल दोनों आप देख सकते हैं, तो फ्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अदर हॉर्मोन्स के टेस्ट करा सकते हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैंने बताया है, ये सारे सिम्टम्स आपको भी है, तो हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा भी इनको ट्रीट और क्या हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है, और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है तो प्रोस्टेट कैंसर को भी बहुत जल्दी वर्स कर देता है, एग्रेसिवली बढ़ा देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कोई भी चीज है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पानी की कमी होना, शरीर में पानी बिल्कुल नहीं पीना खतरनाक है, पर हद से ज्यादा पानी पी जाना, ओवर हाइड्रेट हो जाना ज्यादा खतरनाक है। खाना कम खाना या भूखे रह जाना खतरनाक है, पर खाना ओवर एक्सेस एक ही बार में खा जाना लिमिट से बाहर, वो ज्यादा डेंजर है। तो ऐसे ही आपको समझना होगा। तो इसको क्या ट्रीट किया जा सकता है, क्या टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ रहा है उसको ठीक किया जा सकता है? आंसर है यस। उसके लिए आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए, और कारण को ढूंढना होगा। और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन कम किया जा सकता है, पर ध्यान रखना है कौन सी दवाई आपको सुटेबल रहेगी, वो आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और ऐसी जानकारी चाहिए या कोई नई जानकारी चाहिए तो उस वीडियो के बारे में आप इस कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो पे जाके, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू। और आपको भी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, डायग्नोस हो गया, इन्वेस्टिगेशन करा ली है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और आपको भी कोई और टॉपिक के बारे में जानना है, कोई और समस्या है, तो वो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां लिख दें कि मुझे इस बीमारी के बारे में जानना है, तो मैं उस बीमारी पे वीडियो बना दूंगा। या हो सकता है आपको जो भी बीमारी के बारे में जानना है आप बोलें कि बीमारी का नाम लिखें YouTube पे और डॉक्टर हेमंत शर्मा आगे लिख दें, हो सकता है उस बीमारी पे मैंने पहले से ही बना रखा हो। थैंक यू, गुड डे।